कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खेत से होंगे सबको अल्लाह ताला तीन हिफ्समान में रखे आमीन आमेन आमीन तो जी इस खूबसूरत दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है आपको बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा एक्चुअली अगर आपको घरदारी में दावतों में शौक है तो तो यहाँ पर जनाब मेरे घर थी दावत और दावत थी किसके मेरे बहन भाई मम्मी अबू यू नो you know, मेरी फैमिली की और तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और यहाँ पर दावतों का जो एक ख़ास और मेरा बहुत ही फेवरेट काम होता है ना वो है जनाब टेबल डेकोर करना और यहाँ पर देखें डी आई तरीके से मैंने जो है ना अपना टेबल क्रिएट किया है हाइट क्रिएट करने के लिए मेरे घर में जो स्टैंड्स थे वो यूज़ किए यहाँ पर बिस्किट्स के जो भी मेरे पास बॉक्सेस थे बहुत अच्छा उनका स्टफ़ होता है वो आप रख सकते हैं आप उनको बिल्कुल फेंकीेगा मत और आप उनको यूज़ करें प्यारे से मैट्स लें मैट्स से उनको कवर करें जो भी फ्लॉ वग़ैरह होता है उससे डक छुप जाता है तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि कौन कौन सा आइटम होगा किसको मैंने कहाँ रखना है और यूजली ऐसा भी होता है ना कि खाने में क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको एक तरतीब से रखना क्या चीज़ें बाद में यूज़ होती हैं वो भी एक ख़ास टिप होती है उसी हिसाब से टेबल को जो है ना मैं ऑलरेडी सेट कर देती हूँ तो बस यहाँ पर मैंने अभी के जो अपने बुफेट में जो है हॉट पॉट्स यूज़ किए थे क्योंकि अब जो है ना खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि गर्मियाँ तो रही नहीं हैं सर्दियों का मौसम है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप कौन सा स्टफ़ यूज़ कर रहे हैं आपकी क्रॉकरी किस टाइप की है तो बस यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं ये जो रेशन सेलेड है मैं इसको पुट आउट कर रही हूँ अच्छा यहाँ पर प्रॉपर रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए ना तो मेरे चैनल पर जितनी भी मैंने रेसिपीज़ आज के ब्लॉग में आज की दावत में मैंने बनाई हैं प्रॉपर वे में एक एक वीडियो है तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा आप रेसिपी का नाम लिखिए और बाय आयशाज़ कुक बुक करेंगे तो आपको वो रेसिपी एज इट इज़ मिल जाएगी तो बस यहाँ पर ये था जनाब रेशियन सैलेड और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि मेरी दावतों में रेशियन सैलेड बीन सैलेड और ग्रीन चटनी वगैरह ये तो मस्त है क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है हर खाने के साथ ही उन्होंने डिफरेंट आइटम्स होते हैं तो आप सैलेड्स को मस्ट यूज़ करें इससे आपकी दावत को चार चांद लग जाते हैं तो खैर यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें जैसे जैसे रेडी हो रही थी इनका मुझे ठंडे गरम का इशू तो नहीं था ये ऑलरेडी मैंने सेट करके टेबल पे लगा दी थी और बस यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर जो है वो छिड़क रही हूँ और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ फ़्लावर्स भी रखे हैं आप ज़रूर अपने खाने के टेबल को प्रजेंटेबल लुक देने के लिए कोई भी आपके पास आर्टिफिशल प्लांट्स हों फ्लावर्स हों और मेरे पास कुछ फ्रूट्स और फल्स हैं वो भी आप देखेंगे रैंडमली मैंने लगा दिए हैं इससे आपकी टेबल की लुक जो है ना बहुत ही वेलकमिंग और बहुत ही प्रेजेंटेबल होती है तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी अभी घर पे थे तो छोटे मोटे कामों में वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे और ये आप देख सकते हैं मैं उनसे आइडिया बहुत लेती रहती हूँ मैं पूछती रहती हूँ और वो माशाल्लाह मुझे इस हवाले से ज़रूर गाइड करते हैं यहाँ से ऐसे करो और वैसे करो और साथ में हेल्प भी करते हैं सपोर्ट भी करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है तो खैर ये आप देख सकते हैं कैसे मज़े से मैंने हाइट क्रिएट कर ली लास्ट व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया उसमें मैंने आपसे थोड़ा सा डिफरेंट वे आपसे शेयर किया था ऐसी टेबल डेकोर का दावतों के लिए और वो भी सारा मेरा डी टाइप था कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल मैंने कोई बहुत ही महंगा स्टैंड लिया हो हाइट क्रिएट करने के लिए नहीं बिल्कुल सिंपल जो भी घर में चीज़ें आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो ज़रूरी नहीं होता कि एक चीज़ का इस्तेमाल एक चीज़ के लिए ही इनाफ है आप उसको डिफरेंट वे में डिफ़रेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं और खैर यहाँ पर बच्चों का टाइम हो गया था स्नैकिंग का और बस उस टाइम इनको यहाँ पर जो है वो जल्दी जल्दी पील करके दे रही थी और साथ में बस मैंने कहा कुछ फ्रूट्स और फ्रेश मिल्क दूँगी क्योंकि शाम का टाइम था तो मुझे ये था कि बच्चों के लिए भी अभी मेल ज़रूरी है और ये जनाब बादाम आप देख सकते हैं पानी में सोख करके रखते हैं मैं क्योंकि अब मौसम तो बेहतर है बस मैं फ्रिज में ही होते हैं और पानी में डाल के रख देती हूँ और ये अगर चार दिन भी पड़े रहें तो ये ख़राब होने का खदशा नहीं होता बस ये पानी में सोख होते हैं और अच्छे से ऑफ हो जाते हैं और जनाब यहाँ पर खाना कुछ रेडी था चाउमिन मैंने बना लिए थे अच्छा मैं इनकी लुक भी आपको दिखाऊँगी साथ साथ मुझे था कि पहले मैं बच्चों का जो है ना पेट पूजा कर लूँ तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा खाना भी कंप्लीट था सारा टेबल वगैरह भी सेट था सीटिंग्स वगैरह सब अरेंजमेंट मैंने कर ली थी फिर मुझे था कि मेरी स्वीट जो अच्छे से चिल्ड हो गई है इसको भी बाउल में ऐड कर दूँ डेकोरेट कर लूँ और इसको इसकी जगह पे पहुँचा के मैं ख़ुद भी रेडी हो जाऊँ और आयशा को भी रेडी करना था तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये था जनाब ट्राइफल और इसको जो फाइनल लुक ऊपर प्रजेंटेशन जो मैं दे रही थी जेलिस से स्ट्रॉबेरी और बनाना में तो उसके ऊपर मज़ीद आई थिंक सो मैंने नारियल वग़ैरह जो है क्रश किया हुआ वो कर दिया था तो ये था जनाब ट्राइफल और साथ में मैंने गाजर का हलवा बनाया था गाजर के हलवे की रेसिपी लास्ट व्लॉग में मैंने दावतों का जो व्लॉग है उसी में मैंने आपसे प्रॉपर वे में शेयर की है इसके अलावा दो चार रेसिपीज और भी हैं मेरे चैनल पर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा तो बस यहाँ पर मैं फाइनल लुक देख रही थी अच्छा बर्तन पहले से जब आप सेट करते हैं तो एक मज़े की बात ये होती है ना कि हमें याद रहता है सब कुछ कि हाँ यहाँ पर हमने ये बैठ करना है और आप कुछ भूलते नहीं हैं क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बाजुकात मेहमान चले भी जाते हैं और कोई ना कोई एक आध आइटम आपका रह जाता है या वो माइक्रोवेव में होता है या ओवन में होता है या फ्रिज में और आपको बाद में ख़्याल आता है कि ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया तो बर्तन लगाने का ये भी बड़ा फ़ायदा होता है तो तो बस यहाँ पर जनाब अब मैंने सोचा मैं ख़ुद भी रेडी हो जाऊँ आयशा को भी रेडी करती हूँ और ये था मेरा फ्रॉक और ये आप देख सकते हैं ये फिर दोस्त का ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत है ये है जनाब लॉन्ग फ्रॉक और इसके नीचे जो है प्लाजो टाइप है इसका ट्राउज़र और दोनों की लुक बहुत प्यारी है और इसका जो दुपट्टा है वो कॉटन नेट है और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी और का पैच है तो बस यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी साथ, -साथ मैंने आयशा को भी रेडी कर लिया था तो ये जनाब आयशा का साथ साथ स्टडी टाइम भी चल रहा था क्योंकि शाम का टाइम था आजकल आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं और बच्चों को सुबह भी टाइम देना पड़ता है शाम को भी तो जनाब ये थी मेरी लुक और और साथ में ये मैंने इजी सी सैंडल वेयर कर लिए थे और जब हम घर में किसी की दावत करते हैं तो बस कोशिश होती है थोड़ी सी सेटल्ड सी हमारी लुक हो और बस ये था सिंपल सा मेरा ड्रेसअप होना और अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ये थी जनाब ड्राइंग रूम को मैं थोड़ा सा कोजी वाइब दे रही थी क्योंकि मेरी मदर ने आना था तो मुझे टम्परेचर का भी थोड़ा सा ख्याल रखना था और ये जनाब थे मिनचूरन और अब दिखाती हूँ ये थी वाइट कढ़ाई साथ में थे चौमिन और फ्राइड राइस मैंने बनाने थे उनको बस मैंने दम पे लगाना था वो भी ऑलमोस्ट पानी में मैंने भिगो के रख दिए थे और ये हरा धनिया मैंने ज़्यादा सा काट लिया था ये भी एक ख़ास टास्क होता है ये था स्मोकी बीफ और इसमें ढेर सारी मैंने हरी मिर्चें डाली थी और बहुत ही यमी था तो बस यहाँ पर अब इसके अलावा सरसों का साग था वो नीचे भाभी बना रही थी क्योंकि उन्होंने स्पेशली कहा था कि अबू का कि जब भी वो आएंगे तो मैं उनके लिए बनाऊँगी और वो बड़े प्यार से और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही दिल से कुकिंग करती हैं जब भी मेरे मम्मी अबू आते हैं उनके लिए कोई ना कोई एक एक आइटम उनकी तरफ से मास्ट होता है वो भी इनवाइटेड थी ऊपर डिनर था तो उन्होंने भी करना था मेरे साथ ही लेकिन उन्होंने अपने शौक़ से मम्मी अबू के लिए ये मनाया था तो खैर गाजर का हलवा जो है वो भी साथ साथ मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए और छना यहाँ पर ना कैमरा कुछ पता नहीं क्या हुआ मुझे मैंने ट्राई पे अपना मोबाइल लगाया और मैं वीडियो बनाने लग गई साथ, साथ मैं अपनी सिस्टर से बातें कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं कैमरा जो है वो ढलक गया और ये देख लें एक साइड से कैप्चर हुआ है तो पता ही नहीं चला बातों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक बार नज़र भी डाल दूँ तो खैर यहाँ पर बस सारी चीज़ें जो है मैं डिश आउट कर रही थी हरे धनिए से गार्निशिंग वगैरह कर रही थी तो खैर ये सारी जो भी रेसिपीज़ हैं बहुत लजीज हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और जनाब ये था साग भाभी ले आई थी और ये मिक्स कोई चार पांच किस्म के हैं जो उन्होंने काट के बनाए थे और बहुत ही डिलीशियस थे मेरे अबू को देसी खाने बहुत पसंद हैं तो फिर उनको था कि चलो ये मैं बनाऊँगी और बहुत लजीज बनाया था और बस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें जो है अब टेबल पर मैं लगा रही हूँ सब गेस्ट भी आ गए थे तो जी आप बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का ये टेबल डेकोर आपको और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें जो घर में थी उन्हीं को ही मैंने यूज़ करके इसको अच्छी सी एक लुक दी है थोड़ी प्रेजेंटेबल भी है अच्छा बुफेट सिस्टम में ज़्यादा रखती हूँ उसमें ये होता है कि एक तो ईजी होता है साइड पर खाना होता है बच्चे बड़े सब होते हैं और जिसका जहाँ पर दिल चाहता है वहाँ ईजी होकर अपना खाना इंजॉय करते हैं तो बस यहाँ पर मैं अब फाइनल शॉट्स ले रही थी और उसके बाद बस खाना जो है हम सब ने इंजॉय करना था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग थी बहुत सब ने इन्जॉय किया बहुत मज़ा आया और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है कोशिश करनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके प्यारे हैं उनके लिए वक्त निकालें उनको स्पेशल फ़ील करवाएं और बस यही ज़िंदगी होती है ज़िंदगी की खुशी ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं मुझे ये लगता है कि असल खुशी ये होती है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं तो बस यहाँ पर खाना शाना इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्वीट वगैरह इंजॉय की स्वीट में मैंने आपको बताया था कि ट्राइफल था और गाजर का हलवा था क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अब हलवे के बगैर जो है ना मुझे लगता है कुछ इनकम्प्लीट है और बस यहाँ पर अब हम चाय इन्जॉय कर रहे थे और पिंक टी थी पिंक टी भाभी ने बनाई थी इसलिए मैं उसका व्लॉग नहीं बना सकी तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई रात के ग्यारह साढ़े ग्यारह का टाइम था तो बस यहाँ पर सियासत पे बातें चल रही थी सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे थे जो कि मुझे लगता है आजकल का एक ख़ास टॉपिक है तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बस यहाँ पर सबने अपने घर भी जाना था आप में से जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है मेरा चैनल विजिट कर रहा है उसके लिए सो सो थैंक यू गॉड ब्लेस यू लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना मत बोलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि आपको किस तरह के व्लॉग्स वी या वीडियोज़ पसंद हैं तो अगर आप कुछ के बताना चाहते हैं कहना चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं या मैं अपने चैनल पे कोई इम्प्रूवमेंट करूं, या कोई मजीद टॉपिक्स डिफरेंट लाऊं, तो मुझसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा इन शाला हैज़ इट इज़ वैसी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी तो बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे आबाद रखे दुआओं में मुझे भी याद रखेगा तो बस अब आपसे चाहूँगी इजाज़त अल्लाह